हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया देख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती हैं। अगर आपको मेरे से बात करना तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लर्निंग टू ड्राइव के नाम से, और आप मुझे स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं लर्न टू ड्राइव के नाम से। तो आज मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट है बहुत एक्साइटेड है और काफ़ी दूर से हैं, तो मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है और किस प्रोफेशनल में है। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक यादव, यादव जी। दीपक जी, आप कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से हैं, ओके। तो बाराबंकी में किस जगह के रहने वाले हैं आप? रसौली के पास। रसौली। तो आपको मेरा कॉन्टेक्ट कैसे नंबर मिला? वही इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से जी। क्योंकि बाराबंकी में भी तो काफ़ी ड्राइविंग स्कूल है ना जी। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको सिर्फ मेरे पास ही आना चाहिए? बाराबंकी में भी तो काफ़ी सारे ड्राइविंग स्कूल हैं। हाँ, तो पर हमको अच्छा लगा वीडियो देख। अच्छा, आपने वीडियोस देख के आपको कॉन्फिडेंस लेवल आया कि नहीं आपको मेरे पास सीखना चाहिए जी? इससे पहले कभी कोई कार या कभी कोई गाड़ी ट्राई करी? कभी कभी नहीं करी। ओके, वैसे क्या करते हैं आप, स्टूडेंट हैं या वर्किंग हैं या जॉब वॉप करते हैं? अभी तो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, ओके, अच्छी बात है। तो दोस्तों, इनको मेरी इंस्टाग्राम से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिला। और आपने इंस्टा पे वीडियो देखी या यूट्यूब फेसबुक पे भी देखी? यूट्यूब पर भी देखी है, फेसबुक पे भी देखी है। फेसबुक पे, हाँ, फेसबुक पे और यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो होती है और इंस्टा पे रील्स होती है। तो दोस्तों, आज इनका डे है फर्स्ट, तो फर्स्ट डे के हिसाब से स्टूडेंट को क्या क्या चीजें करानी चाहिए वो मैं आज उनको कराने जा रहा हूँ। मैं इनको कार चलवाऊंगा कम, बताऊंगा ज्यादा। 90% न्यू जो विगनर्स होते हैं उनके साथ ये इशू आता है और गाड़ी चलाते हैं और भिड़ा देते हैं। तो आपको करना है क्या है ना कि आपको चलाने से पहले कुछ चीजों को समझ लेना है प्रॉपरली। तो दीपक जी, ये है हुंडई की सेंट्रो कार, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पेट्रोल गाड़ी, ठीक है, हुंडई की। इसकी जो लंबाई है वो 13 फीट है, चौड़ाई 5.5 फीट, प्लस 2 फीट लेफ्ट और राइट वाले ORBM, टोटल 7.5 फीट, ठीक है। तो कार में बैठते ही सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने लगा ली सीट बेल्ट जी। सबसे पहले आपने सीट एडजस्ट करी, सीट एडजस्ट करने के बाद सीट बेल्ट लगा लिया। सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए होता है, बिना सीट बेल्ट के कार को नहीं स्टार्ट करना है। सेफ्टी पर्पज के लिए सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। अब आपने सीट बेल्ट लगा ली, सीट एडजस्ट हो गई, अब आपको करना है क्या, 5 से 10 बार क्लच दबाना है। क्लच को दबाना एकदम से, छोड़ना बहुत धीरे धीरे है। दबाना एकदम से है जैसे कि हम फुटबॉल में किक मारते हैं, और छोड़ना धीरे धीरे है, 1 2 3 4 5 करके। क्लच फुल क्लच दबाना होता है जब जब हमें गियर लगाना है या गाड़ी को रोकना है। ये फुल क्लच है, ठीक है जी। अब डेड पैंडल पे रख लो लेफ्ट में, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, और एक्सीलेटर टू ब्रेक, एक्सीलेटर टू ब्रेक, जैसे अभी इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे, एक्सीलेटर और ब्रेक, एक्सीलेटर और ब्रेक। एडी हवा में नहीं आनी चाहिए। गुड। एक्सीलेटर का काम होता है स्पीड देना, ब्रेक का काम होता है कार को रोकना, और क्लच का काम होता है किसी भी गियर में पूरा क्लच दबाने से इंजन फ्री हो जाता है। अगर इंजन ऑन है और आप पूरा क्लच दबा लेते हो तो इंजन फ्री हो जाता है, ठीक है। एक्सीलेटर और ब्रेक, क्लच, 3 पैंडल है नीचे। अब हम बात करते हैं राइट वाले ORBM की। राइट वाले ORBM को एक बार नजर डालो, दिख रहा है? अब सामने देखो, फिर राइट वाले ORBM को देखो, फिर सामने देखो। पूरी नजर नहीं घूमनी चाहिए, गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, आंखों की पुतलियां घूमनी चाहिए, पूरी गर्दन नहीं। राइट वाले ORBM को देखो, फिर सामने देखो। अब आपको लेफ्ट वाले ORBM को देखना है और फिर सामने देखना है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आ रही, राइट वाले ORBM को देखने में या लेफ्ट वाले? लेफ्ट वाले, क्योंकि राइट वाला आपके जस्ट बगल में, तो राइट वाले को आप बहुत इजीली देख सकते हो। लेफ्ट वाले ORBM के लिए स्पेशली आपको नजर ले जानी होती है। तो सबसे ज्यादा ध्यान किधर देना चाहिए, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेफ्ट वाला ORBM, लेफ्ट वाले ORBM से हमें कार की चौड़ाई का बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब लेफ्ट वाले ORBM को देखो, फिर इस लुकिंग ग्लास को देखो, फिर लेफ्ट वाला ORBM देखो, फिर लुकिंग ग्लास देखो, ठीक है। अब कार में लगे हुए जो फ्लैग रॉड वो सामने लगा हुआ है उसको चेक करो, देखो उससे क्या पता चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ये जो लेफ्ट वाला फ्लैग रॉड लगा है, इससे गाड़ी के बोनट का आपको अंदाजा मिल जाता है कि हमारी कार का जो बोनट है वो कहाँ तक है, लास्ट मोमेंट कहाँ तक है। अब बोनट पे लगी स्टिक को देखो, फिर इस लेफ्ट वाले ORBM को देखो, स्टिक को देखो, फिर लेफ्ट वाले ORBM को देखो, उससे क्या समझ में आ रहा है, उससे आगे का अंदाजा मिल रहा है, बोनट का अंदाजा स्टिक से मिल रहा है, लेफ्ट वाले ORBM से आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट मिल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना, लेफ्ट में जो ये स्टिक लगी हुई, स्टिक से लेके और यहाँ से लेके लेफ्ट वाले ORBM से, अब हमें करना है क्या, सबसे पहले क्लच और ब्रेक पे पैर रखो। क्लच और ब्रेक पे पैर रखने के बाद अब करना क्या है, पूरा फुल क्लच दबाओ, हो गया। अब ये इसको बोलते हैं गियर लीवर,
ठीक है, ये है गियर लीवर। अब गियर लीवर का काम क्या होता है, आपको अभी इंजन ऑफ है, ऑफ इंजन पे आपको क्लच दबा दबा के प्रैक्टिस कर लेना, पूरा फुल क्लच दबाओ और फर्स्ट गियर डालो। फर्स्ट गियर डाले, हाँ वेरी गुड, हल्के हाथों से। अब फिर न्यूट्रल करो, अब फिर सेकंड गियर डालो, वेरी गुड, फिर न्यूट्रल करो, अब थर्ड गियर डालो, वेरी गुड, फिर न्यूट्रल करो, फोर्थ गियर डालो, फिर न्यूट्रल करो, फिफ्थ गियर डालो, फिर न्यूट्रल करो, राइट जाके रिवर्स गियर डालो, वेरी गुड। अब ये हो गया गियर की प्रैक्टिस, आपको गियर सारे पता है। अब न्यूट्रल करो, अब हैंड ब्रेक को अनलॉक करो, ऊपर उठा के बटन दबाओ, ऊपर खींचते हुए बटन दबाओ, हाँ अब नीचे ले जाओ बटन दबा के, ये अनलॉक हो गया। अब इसको लॉक करना है तो ऐसे खींचो, बटन नहीं दबाना है, फिर अनलॉक करो, फिर लॉक करो, फिर अनलॉक करो, ऊपर खींच के अनलॉक करो, गुड। ये होता है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक कब यूज करना होता है, जब हमें कहीं कार को पार्किंग में करना है। अब बात करते हैं हम कार को कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्लच दबा के इंजन ऑन करो, इंजन ऑन करते वक्त राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए, हो गया जी। अब देखो इसको बोलते हैं स्पीड मीटर, ये टेम्परेचर मीटर, देखो ये हाफ की तरफ बढ़ रहा है, इंजन ऑन करते धीरे से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये फ्यूल मीटर, ठीक है। इससे चलता है इंडिकेटर, लेफ्ट का सिग्नल देना है तो लेफ्ट करोगे, राइट का सिग्नल देना तो राइट करोगे, बीच में ऑफ हो जाता है ये लेफ्ट, टर्निंग के बाद ऑटो कट हो जाता है अपने आप, ये नीचे राइट, यहाँ से डिपर होता है ये पासिंग डिपर, इससे हेडलाइट ऑन ऑफ होती है, ये पार्किंग लाइट और ये हेडलाइट, ठीक है। इससे वाइपर चलता है, वन टाइम अगर आपको ग्लास क्लीन करना तो वाटर के साथ, ये देखो वाटर के साथ, खाली चलाओगे तो स्क्रेचेस पड़ जाते हैं, अगर बारिश हो रही तो आपको वाटर की जरूरत तो है नहीं, तो बस नॉर्मल आपको ये कर देना है, ये देखो, ठीक है, हो गया क्लियर। इसको बोलते हैं हजार्ड स्विच, चारों इंडिकेटर बारिश को एरे में और नाइट के समय इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कार को चलाना कैसे है। तो देखो फर्स्ट गियर की जो सबसे पहले कार को स्टार्ट करने के बाद हमें फर्स्ट गियर में गाड़ी डालना, राइट वाला पैर एक जगह स्टेबल कर लो, पैर आपका ब्रेक पे रहना चाहिए, एक्सीलेटर कतई नहीं छूना है। अब फर्स्ट गियर डालो, क्लच पूरा दबाओ, हाँ अब फर्स्ट गियर आपने डाला, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक मीटर गाड़ी आगे बढ़ने देना है, ब्रेक पे पैर रखो वो, अब पूरा क्लच दबा लो, अब हल्का सा ब्रेक, भाई मेरे ऐसे तो गोद में आ जाएगा जो पीछे बैठा होगा, प्यार से, ट्रैक्टर नहीं है कार है तो इसमें बहुत लाइटली ब्रेक लगाना है, ठीक है। अब ब्रेक को फ्री रखना और थोड़ा सा क्लच छोड़ो 20-30%, बस इससे ज्यादा नहीं, सीधी रखो गाड़ी, अब पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक बहुत लाइटली, फिर ब्रेक दबा दिया ज्यादा तुमने, ब्रेक को बहुत लाइट यूज करना है, फिर ब्रेक छोड़ो धीरे से क्लच, फिर पूरा क्लच दबा लो, बहुत प्यार से ब्रेक लगाते ऐसे, देखो इस बार झटका लगा नहीं लगा, फिर ब्रेक छोड़ो, फिर धीरे से क्लच छोड़ो, ज्यादा नहीं, फिर पूरा क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक, गुड, फिर ब्रेक को रिलीज करो, फिर थोड़ा सा क्लच छोड़ो, हाँ जाने दो, झटके से क्लच छोड़ा इसलिए इंजन बुझ गया, क्लच पूरा दबाओ फुल जितनी तुम्हारे अंदर जान है, ठीक है। अब राइट वाला पैर नीचे नहीं रखते माय डियर, वो ब्रेक पे कंपलसरी है, हमेशा ब्रेक पे ही रहना चाहिए, ब्रेक लगाना ना लगाना एक अलग मैटर है, पर वो जो पैर है वो प्रॉपर ब्रेक पे ही रहना चाहिए, समझ गए, थोड़ा सा पैर और खिसका ऊपर ब्रेक वाला, बस ये पॉइंट होना चाहिए, ब्रेक लगाना ना लगाना अलग मैटर है। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्लच को रिलीज करो, ज्यादा नहीं, फिर पूरा क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक, हाँ फिर थोड़ा सा ब्रेक छोड़ो, भाई पैर नहीं हटाते, पैर वहीं टच रहेगा, हाँ थोड़ा सा क्लच छोड़ो, ज्यादा नहीं, फिर पूरा क्लच दबाओ, अब इसको न्यूट्रल करो गियर को, हो गया, अब इसको डालो बैक गियर में, पूरा राइट जाके पीछे खींचो, हो गया। अब अपने राइट वाले आरबीएम को चेक करो, लेफ्ट वाले आरबीएम, जिस कंडीशन में आए हो ऐसे रोक रोक के पीछे जाना है, ब्रेक मत यूज करो, क्लच से गाड़ी रुक जाएगी, पूरा क्लच दबाओगे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा क्लच छोड़ोगे बढ़ जाएगी। अपने लेफ्ट और राइट वाले दोनों ORBM चेक करो, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी, ब्रेक लगाओ पूरा, गुड, स्टीयरिंग सही पकड़ो 3/9 पे, ट्रैक्टर की तरह नहीं, बहुत लाइटली, पहले ब्रेक छोड़ो फिर धीरे से क्लच, हाँ जाने दो धीरे धीरे, हाँ फिर पूरा क्लच दबाओ, हाँ जाने दो धीरे धीरे पीछे जाने दो, हाँ और चलने दो धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, अब पूरा क्लच दबा लो और ब्रेक ले लो। अब इसको न्यूट्रल करो, फिर वापस क्लच फुल दबाना होता है, जरा सा भी लापरवाही नहीं, पहला गियर डालो। तो ये थी फर्स्ट गियर में गाड़ी आपने चलाई और बैक गियर में चलाई। अब फिर आपको वही यहाँ से जो बाइक खड़ी कम से कम 5-10 बार गाड़ी रोकनी, झटका ना लगे, बहुत प्यार से पूरा क्लच धीरे से ब्रेक।
स्टेयरिंग सही पकड़ो 3 और 9 पे। हाँ बंद हो गई, बंद नहीं होनी चाहिए भाई। बंद क्यों हो रही है? क्योंकि आप क्लच ज्यादा रिलीज कर दे रहे हो। क्लच को 20-30% मैक्सिमम। तो वैसे इस बच्चे को हॉर्न देना चाहिए था आपको। पूरा क्लच दबाओ, हल्का सा ब्रेक, ज्यादा लेफ्ट मत लेके आओ वरना नीचे उतर जाएगी। देख रहे हो बॉर्डर लाइन पे गाड़ी आ गई आपकी एकदम, बस मुश्किल से 3-4 इंच लेफ्ट में स्पेस है। हल्का राइट दबा लो, हाँ पूरा क्लच देन ब्रेक। अब सीधा करो स्टीयरिंग, हाँ धीरे धीरे, हाँ हल्का राइट दबाओ, पूरा क्लच देन ब्रेक, स्टीयरिंग सीधी करो, हाँ फिर थोड़ा सा बढ़ाओ। अब सीधा चलने दो, अब धीरे धीरे क्लच को पूरा रिलीज करो। गाड़ी अपनी लेफ्ट में रखो, गाड़ी अपनी लेफ्ट में ही रखो। अभी आगे से मैं यू टर्न कराऊंगा, तो यू टर्न के लिए पूरी गाड़ी पहले लेफ्ट लेके आना, फिर राइट का सिग्नल देना। गाड़ी लेफ्ट लेके आओ और लेफ्ट आओ, लेफ्ट बज रहा है, लेफ्ट आओ और लेफ्ट। अब राइट का इंडिकेटर दो, क्लच छोड़ो और हाँ क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, हाँ पूरा, हाँ अभी जब मैं बोलूंगा चलो हल्का रेस लो, हल्का एक्सीलेटर लेके चलो, हाँ जाओ हल्का रेस लो, टर्न करो पूरी फुल फुल टर्न करो, फुल 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 भाई, फुल 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 फुल, जरा सा भी लेट हो गया तो कांड हो गया। आप सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो और बस, राइट वाला पैर ब्रेक पे, स्टीयरिंग सही पकड़ो 3 और 9 पे। अब सामने बाइक खड़ी, इसका ध्यान रखना क्योंकि ऑन ट्रैफिक है। हल्का राइट रखो, हाँ जितना लेफ्ट रखोगे ना उतना सेफ रहोगे, उतना सुरक्षित रहोगे। हल्का राइट रखो, राइट राइट रखो, हल्का राइट, हल्का राइट, राइट रखो, हल्का कर लो, कर लो, हॉर्न, हाँ हल्का लेफ्ट आओ, आगे से फिर यू टर्न मारना है आपको भी, पूरा सटा के लेफ्ट में, हाँ हल्का राइट रखो और लेफ्ट आओ, लेफ्ट। अब राइट का सिग्नल दो, नीचे को सिग्नल दो, हाँ अब 90 डिग्री से घुमा दो पूरी फुल, छोड़ो क्लच, क्लच छोड़े पूरा भाई, क्लच नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी चलेगी कैसे माय डियर, चलो धीरे धीरे, चलेगी कैसे, चलेगी कैसे, सीधी करो फटाफट, फटाफट सीधी करो। एक्सीलेटर किसने कहा देने के लिए भाई, यहाँ एक्सीलेटर का कोई रोल ही नहीं था, एक्सीलेटर का कोई रोल ही नहीं है, बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलानी है। हल्का राइट रखो, हाँ फर्स्ट और सेकंड गियर रिवर्स गियर में हमें एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है। हॉर्न दो उस बंदे को, हाँ अब लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को हल्के हाथों से, हाँ जहां पे गाड़ी खड़ी थी वहीं लेके चल के खड़ी करना है इसको। हल्का राइट रखो बस, हाँ लेफ्ट आओ, अब पूरा फुल क्लच दबाओ फुल, और धीरे से ब्रेक लगाओ, गियर को न्यूट्रल करो, बस क्लच ब्रेक छोड़ दो। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।